गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी सर्कल। ठीक है, HRM का हमारा सब्जेक्ट है और हम क्वालिटी सर्कल का टॉपिक जो है वो आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है क्वालिटी सर्कल की। क्वालिटी सर्कल इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 12 एम्प्लॉयज डूइंग सिमिलर वर्क हु वॉलंटरली मीट टुगेदर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट्स इन देयर respective work area using various techniques for analyzing and solving work related problems coming in the way of achieving and sustaining excellence leading to mutual upliftment of employee as well as the organization। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है जिसमें 6 to 12 एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है जी, जो सेम काम करते हैं और वो वॉलंटरली अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट, जो उनका रिस्पेक्टिव वर्क एरिया है, ठीक है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उसको वो एनालाइज़ कर सके। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करके और उनको सॉल्व कर सके। जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपने गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है जी, एक्सीलेंस को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एनालाइज़ कर सके और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सके। तो ये है क्वालिटी सर्कल की एक ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है जो इकट्ठे अपनी इच्छा से मिलते हैं ताकि जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है जी, उनके वर्क एरियाज़ में वो की जा सके। कैसे वो करेंगे, ठीक है, कि टेक्निक्स को एनालाइज़ करके, ठीक है, सॉल्व करके जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उनको अपने गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, तो इट इज़ अ वे ऑफ कैप्चरिंग द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पावर डेट लाइज विद इन द वर्क फोर्स। ठीक है, कि ये एक ऐसा वे होता है जिससे आप क्रिएटिव और इनोवेटिव पावर जो है वो कैप्चर करते हो, ठीक है जी, जो आपकी वर्क फोर्स में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्वालिटी सर्कल जो होता है वो स्मॉल प्राइमरी ग्रुप होता है एम्प्लॉई का, जिसमें लोअर लिमिट जो है वो 3 और अपर लिमिट जो है वो 12 है। ठीक है जी, और जो मेंबरशिप होती है क्वालिटी सर्कल्स की वो वॉलंटरली होती है। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, वो अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं इस कमेटी को, इस ग्रुप को, उन पर कोई भी फोर्स नहीं होता कि वो इसको ज्वाइन करें। ठीक है, हर एक सर्कल जो है वो एक सुपरवाइज़र के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है जी, मेंबर जो है वो रेगुलरली बेसिस पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, हर एक वीक पर, है ना, एवरी वीक वो एक मिलते हैं और अपना शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो सर्कल, द सर्कल मेंबर्स आर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड इन टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कि जो मेंबर्स होते हैं उनको एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स में ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक रोल होता है सर्कल्स का वो क्या होता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है, सॉल्व करना होता है वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है जी, ताकि वो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्वालिटी सर्कल अनेबल देयर मेंबर टू एक्सरसाइज देयर हिडन टैलेंट्स फॉर टैकलिंग चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, कि क्वालिटी सर्कल्स, ठीक है, क्या करता है, इनेबल करता है अपने मेंबर को कि वो क्या है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना हिडन टैलेंट जो है उसको पहचाने और जो भी चैलेंजिंग टास्क है उनके साथ लड़ने के लिए अपना जो हिडन टैलेंट है वो निकालें बाहर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हु वर्क्स फॉर क्वालिटी सर्कल। फर्स्ट इज़ अ स्टीयरिंग कमेटी। तो ये दिस इज़ क्या होती है, ये क्या होती है कि टॉप स्ट्रक्चर होती है कंपनी की। ठीक है, इसमें जो है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव द्वारा हेड होती है। ठीक है, उसका हेड होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव और उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं टॉप मैनेजमेंट से, है ना, पर्सोनल, टॉप मैनेजमेंट के पर्सोनल से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पीपल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉलिसीज प्लान एंड डायरेक्ट करते हैं प्रोग्राम एंड ये मंथ में एक बार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर। ही मे बी अ पर्सोनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है जी, ये पर्सोनल से हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हैं, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है जो भी वर्क है। ठीक है जी, एंड एडमिनिस्ट्रेट द प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल लीडर। सर्कल लीडर क्या होता है, लोएस्ट लेवल सुपरवाइजर होता है। ठीक है, सर्कल लीडर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल मेम्बर्स। दे मे बी अ स्टाफ वर्कर्स। ठीक है, ये स्टाफ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, विदाउट सर्कल मेंबर द प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दे आर
लाइफ ब्लड होते हैं क्वालिटी सर्कल का, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। ऑफर करते हैं, सजेशन आइडिया, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ग्रुप प्रोसेस में द रोल ऑफ स्टीयरिंग कमेटी एंड सर्कल मेंबर्स आर वेल डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके एडवांटेजेस, ठीक है जी। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस कि आपके प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि जो क्वालिटी सर्कल की कमेटी होती है, जो ग्रुप बना होता है वो क्वालिटी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो प्रॉब्लम्स देखता है कहाँ कहाँ आ रही है, उनको एनालाइज करता है, फिर उनके लिए सोल्यूशन ढूंढता है, जिससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होती है। फिर आपका जब आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर तो दे गए, तो उससे क्या है कि कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन जो है वो भी इंक्रीज होती है। फिर एफिशिएंसी जो है सेविंग होती है, फाइनेंशियल सेविंग्स होती है इससे, ठीक है जी। क्वालिटी सर्कल जो है वो फाइनेंशियल और एफिशिएंसी को सेव करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक कंपनी परफॉर्मेंस जो होती है उससे उसको इम्प्रूव करता है, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि क्वालिटी सर्कल जो है वो एक ग्रुप है जो चेक करता है सारी प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट में, तो जो कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं क्वालिटी सर्कल की वजह से, वो कंप्लेंट जो है वो रिड्यूस होती हैं, ठीक है जी। वेस्टेड जो है वो रिड्यूस होता है, एक्यूरेसी जो है आपके काम करने में एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आप अपना वर्क जो है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो, जो जो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो उनको एनालाइज कर रहे हो, उनके लिए सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट जो इन एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है, और इससे एरर जो है उनके होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन की क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, अराइज हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पर प्रॉब्लम को सिलेक्शन देनी है, ठीक है, कि हमने प्रायोरिटी के बेसिस पर वो प्रॉब्लम है ना सिलेक्ट करनी है जिसको हमने फर्स्टली हैंडल करना है, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पर। फिर प्रॉब्लम को प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है, क्लेरिफाई करना है, ठीक है, एनालाइज करना है उसकी सॉल्विंग, है ना, बाय बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से उनको। फिर नेक्स्ट क्या है कि जनरेट करने हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट कॉजेज एंड जनरेट नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, कि अब जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सॉल्यूशन, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए कि हम एक प्रॉब्लम को किन ना कि किस किस वे से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो जो मेथड्स हैं वो जनरेट करेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ठीक है, जब आपने डिस्कस कर लिया, वैल्यूएट कर लिया अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, तो बाद में आप क्या करोगे कि उसको उनकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की, कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना हमें रिटर्न मिलेगा, ऐसा कंपैरिजन कर लोगे, तो जो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन लगेगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आप अपना जो प्लान है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन को, ठीक है, उसको रियलिटी में पुट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको प्लान करोगे कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रेजेंट सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट सर्कल मेंबर, ठीक है, जब आपने प्रिपेयर कर लिया प्लान तो उसको आप अब मैनेजमेंट के सामने रखोगे उनके अप्रूवल के लिए, ठीक है। लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जब मैनेजमेंट एवेल्युएट करोगी जो भी आपने सॉल्यूशन रेकमेंड किया है उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करेगी, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको पूरे लार्ज स्केल पर उसको इम्प्लीमेंट कर देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वालिटी सर्कल का टॉपिक, ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।